तो भाई लोग, अगर आपके पास में Redmi का नोटेड डिवाइस है तो आपको अभी तक पता तो चल गया होगा कि आपके पास में आ चुका है MIUI 12 का अपडेट। तो ठीक है, इस वीडियो में पूरा बात करने लगा, मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा और मेरे साथ में इतना गलत सीन हुआ, मैं इसको गुड न्यूज़ की जगह बैड न्यूज़ बोलना ज़्यादा प्रीफर करूँगा। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो मुझे मेरे दो ऐप तो ऊपर से अनस्टॉल ही हो गए, यानी फ़ोन से हटी गए, मुझे उनका कोई अता पता कुछ पता ही नहीं चल पाया। तो इस बारे में पूरा मैं आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ में, क्योंकि आपके सामने मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ। रिबूट करने का ऑप्शन आएगा फ़ोन का, वो भी करेंगे और पूरा मैं आपको इसका सेटअप करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या हुआ और यहाँ पे इतना बड़ा बग, मैं उसको बग ही बोलूँगा, पता नहीं मेरे पास वर्ड नहीं उसके लिए, बट इतना गलत सीन हुआ कि आप वीडियो में देखिए। अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे अपडेट करना चालू हो चुका है, यहाँ पे मेरा नेट का स्पीड थोड़ा स्लो था तो इसलिए मैं इसको नेट स्पीड को बराबर करके मैं यहाँ पे फिर से अपडेट पे आऊँ। तो इतना गलत हुआ, दो एप्लीकेशन हुआ अनस्टॉल हुआ या हट गया, वो आपको कौन सी एप्लीकेशन है अगर आपके साथ में भी हुआ तो कमेंट में बताना। मेरे साथ में जो हुआ मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट हो चुका है मेरा पूरा और रिबूट का ऑप्शन आ चुका है नीचे में कि बता रहा है कि ये अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे रिबूट। तो ये रिबूट के बाद में कुछ इस कंडीशन में मेरा फोन मिला मेरे को, यानी दो एप्लीकेशन अनस्टॉल हो गए, एक एप्लीकेशन थी ब्राउजर और सेकेंड एप्लीकेशन था MI वीडियो का, ठीक है। दोनों एप्लीकेशन फ़ोन से बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं। और मैं जब फ़ोन को यूज़ कर रहा था तो मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा फील आया, मुझे पासवर्ड डालना पड़ा, ठीक है वो तो ठीक बात है रिबूट करने के बाद में, बट मुझे थोड़ा ऐसा फील आया कि मेरा फ़ोन थोड़ा स्लो हो रहा है। जो स्नैपड्रैगन 665 वाला फील था वो मुझे इसमें देखने को नहीं मिला, मुझे लगता है कि कुछ फ़ोन में एकदम स्लोनेस आ चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सारे मैं अगर 12 के बाद में चेंजेस की बात करूँ तो मुझे तो स्पेशली सिंपली मुझे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। यहाँ पे 12 के बारे में अपडेट है बट मुझे अभी तक सिक्योरिटी इश्यूज़ इम्प्रूव कर दिया गया। आप देख सकते हो कितने MB का था, 200 कुछ MB का था अपडेट, मुझे याद नहीं, अभी मैं सीधा वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो मुझे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। और मैं अगर देखा वहाँ पे, अगर मैं देखा कि मेरा एंड्रॉयड जो 12 दिखा रहा है या नहीं MIUI 12, तो वहाँ पे भी 11 ही दिखा रहा था, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी अपडेट करके फिर उसके बाद में मैंने एक बार और रिबूट किया कि ये आ जाएगा। बट मैं एंड्रॉयड की बात करूँ तो मुझे लगा 10 आ जाएगा, सबको लग रहा था कि 10 आ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, 10 नहीं आएगा, पाई से ही आपको काम चलाना पड़ेगा, एंड्रॉइड का पाई वर्जन ही आपको मिलने वाला है। तो दो एप्लीकेशन अनस्टॉल हो चुके हैं। और एक बात सुनिए, अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो अपडेट करो, ठीक है, अपडेट करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपडेट करो और मेरे को बताओ कि क्या क्या चेंजेस आए। अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो मुझे मेल करना, मेरा ईमेल आईडी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।